हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा कह लीजिए या फिर आप चाहें तो कह लीजिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए अपर हाउस या फिर कह लीजिए सेकंड चैम्बर। ये अपर हाउस सेकंड चैम्बर, इतने सारे नाम क्यों बता रहे हो सर? देखो, सीधी सी सिंपल सी सटीक सी चीज बताता हूं। इसे बहुत सिंप्लीफाइड रखेंगे इस टॉपिक को हम, लेकिन एकदम टॉप नॉच रखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, ये क्या हो जाता है, ये फेवरेट टॉपिक हो जाते हैं, डायनामाइट की तरह होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड ट्विस्टेड लेके आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम हमारा सिलेबस भी कवर करें, मतलब 11th क्लास के सारे कंसेप्ट भी समझते जाएं, और मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दूंगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आने वाला है, या फिर जो एक एक्स्ट्रा फैक्चुअल डिटेल्स होती है वो सारी चीजें भी हम कवर करते चलेंगे। फाइन, आ गया समझ में? तो देखो, यहां पे अगर हम स्टार्ट करते हैं उसके नाम से ही, राज्यसभा। राज्य मतलब क्या होता है? राज्य मतलब होता है स्टेट, ठीक। तो राज्यसभा क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया। राज्यसभा जो है तो हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट को क्यों रिप्रेजेंट करता है वो भी समझाता हूं। अब क्या हो रहा है, ये हमारी कंट्री है, गोल नहीं है लेकिन समझने के लिए, ठीक। तो हमारी कंट्री में आपने देखा क्या, एक तो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। अब आपको इतना तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि लोकसभा क्या होता है। लोकसभा जो देखा जाए तो यहाँ पे लोग डायरेक्ट वोट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, 543 लोगों को डायरेक्ट वोट करते हैं, दो एंग्लो इंडियन होते हैं। तो इस तरह से लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी हो गई है? लोकसभा की स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो 545 हो गई है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डायरेक्ट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, लोकसभा को। अब राज्यसभा पे अगर हम आते हैं तो अब क्या है कि आप देखोगे इंडिया में फेडरल नेचर है, ठीक है। तो अब सेकंड चैम्बर की जरूरत क्यों होती है, तो ये अभी पिछले वीडियो में पढ़ के आए हम। सेकंड चैम्बर की क्यों जरूरत होती है? ताकि डिबेट, डेलिब्रेशन जो है, डिस्कशन जो है वो बेहतर हो सके किसी भी लॉ पर। साथ ही साथ क्या है कि जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी, उसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो उस सेंस में क्या है, अब एक पॉइंट ये भी ऐड करो आपकी फेडरलिज्म को और स्ट्रांग करने के लिए, ये जो सेंट्रल लेवल पे पूरी बॉडी है पार्लियामेंट, इसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जो है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए जो लेजिस्लेटिव बॉडी के पार्ट होते हैं वो राज्यसभा के एमपी बनते हैं, ठीक है। मतलब कि राज्यसभा में जो जितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, होमवर्क दिया था मैंने, तो 250 मैक्सिमम आप राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। एट प्रेजेंट कितने हैं? 245 है। उसमें भी क्या होता है, 245 में ध्यान रखना इन चीजों को, 245 में क्या होता है कि 233 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कैसे वो समझाऊंगा, और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अब इलेक्टेड मतलब जिन्हें चुना जा रहा है, और नॉमिनेटेड मतलब क्या हो रहा है कि जिन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू बता दिया है। तो देखो, उस सेंस में क्या होता है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी मतलब क्या है कि इसके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। डायरेक्ट मतलब क्या, तो जैसे आपने देखा कि लोकसभा जो है, ठीक है, तो लोकसभा में जितने भी लोग जाएंगे आप उन्हें क्या कर रहे हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी से हम लोग जो है, वोटर्स जो है, वोट कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, तो वो हमारे द्वारा डायरेक्ट चूज किया गया, और वो जाके कहां बैठ रहा है, लोकसभा में बैठ रहा है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा का होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड है इस सेंस में। और हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं कि राज्यसभा का जो एमपी है, समझना, राज्यसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इनडायरेक्टली मतलब कैसे, चलो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। तो क्या होता है, रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट इलेक्ट्स मेंबर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे ये है पूरा देश, ठीक है, पूरे देश में क्या होते हैं, अलग अलग स्टेट होते हैं, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये सारे स्टेट हो गए। जैसे अब इन स्टेट्स में क्या होता है, अब इन स्टेट्स में हम लोग वोट देते हैं किसको, हम रहते तो अल्टीमेटली स्टेट में ही है ना, तो हम किसको वोट देते हैं, हम हमारे स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब जो हमारी विधानसभा होती है स्टेट की, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हमारे सीएम के जो इलेक्शन होते हैं, तो उसमें हम एमएलए को वोट देते हैं ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे एमएलए को चूज कर लिया। अब क्या होता है, अब हर स्टेट को एक कोटा मिला हुआ रहता है, मतलब हर स्टेट को एक नंबर का एक कोटा मिला हुआ रहता है, और कह दिया जाता है कि आपके स्टेट से इतने नंबर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले हैं जो राज्यसभा का पार्ट बनेंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाई करें तो अब क्या होगा, ऐसे सारे स्टेट में इलेक्शन होते हैं, सारे स्टेट में इलेक्शन होने के बाद में हम क्या करते हैं, हम हमारे एमएलए को चूज कर लेते हैं, बस हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। अब सारी प्रोसेस इनडायरेक्ट होने वाली है, मतलब हमने एमएलए को चूज करके छोड़ दिया ना। अब देखो आगे क्या होता है, ये राज्यसभा है, ठीक, ये राज्यसभा है। अब राज्यसभा में कितने लोग चाहिए, जैसे 233 इलेक्टेड आएंगे,
ठीक है, 233 इलेक्टेड आएंगे। तो अब राज्यसभा, मैंने आपको क्या बताया, राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। तो अब यहां पे हर स्टेट को नंबर दे दिए जाते हैं, हर स्टेट को नंबर। जैसे मध्य प्रदेश को क्या दे दिए, 11। मध्य प्रदेश से बोल दिया कि आपको 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचाना रहेंगे राज्यसभा के लिए। आगे ना समझ में, क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश को क्या बोल दिया कि आपको 31 पहुंचाना रहेंगे। राजस्थान से क्या बोल दिया, आपको 10 पहुंचाना रहेंगे। इनके नंबर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से राजस्थान से 10 बोल दिया, उत्तर प्रदेश से क्या बोल दिया, 31 बोल दिया। चलो एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, आपके स्टेट का नाम और आपके स्टेट में क्या कोटा है, मतलब आपके स्टेट से कितने मेंबर ऑफ राज्यसभा जो हैं वो जाते हैं, ठीक है, कितने मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक। तो अब स्टेट से आप नहीं इलेक्ट करोगे, इनडायरेक्ट है ना, तो मतलब क्या होता है कि ये जो 11 सीट्स हैं या फिर 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे 233 में, उन 11 लोगों को कौन इलेक्ट करने वाला है, जिन्हें आपने इलेक्ट किया, मतलब एमएलए जो है, तो आपके एमएलए आपस में वोटिंग करेंगे और वो क्या करेंगे, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, उसके थ्रू क्या होगा, वो 11 लोगों को डिसाइड किया जाएगा, उसके थ्रू क्या होगा, 10 लोगों को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। ये यहां तक सिंपल हो गया ना, समझ में आ गया। अब इसमें एक और पेच होता है, क्या कि ये 11 और 10 ये एक साथ इलेक्ट नहीं होते, पता है, इनमें भी टू थर्ड करके जाते हैं, ठीक है, वो और सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं अभी आगे जब समझ में आएगा आपको, ठीक। तो ये राज्यसभा ये रिप्रेजेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आंसर लिखना है तो ये सिंपल सी दो लाइन आपको ध्यान रखना है, ये तो कॉन्सेप्ट समझाया पूरा, कि रेसिडेंट ऑफ स्टेट इलेक्ट्स द मेंबर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया, मतलब आपने एमएलए को इलेक्ट किया, और आपने जिन एमएलए को इलेक्ट किया है, तो द इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब एमएलए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन टर्न इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब ये जो लोग होते हैं तो वो इन टर्न क्या करते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट, क्लियर। अब देखो एक मजेदार चीज और बताता हूं, ये जो फोटो है ये कहां का है, राज्यसभा का है, ठीक है। 233 कुर्सियां लगी है, गिन लो तो, नहीं 245 लगी है, क्यों, क्योंकि 12 लोग नॉमिनेटेड भी आएंगे ना, तो उस सेंस में क्या है। अब आपने ये तो देख लिया एक सीन, अब इस सीन में आपको एक चीज समझ आ रही है, रेड कार्पेट है पूरा, ठीक। यही चीज मैं आपसे कहूंगा लोकसभा का फोटो देखना, लोकसभा के फोटो में आपको ग्रीन कार्पेट देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको ट्रिक पकड़ में आ गई है, क्या कि फोटो से आपको पहचाना रहेगा, R4 रेड और R4 राज्यसभा, तो राज्यसभा में रेड कार्पेट होता है नीचे, लोकसभा में ग्रीन होता है, ठीक है, ये तो आप ध्यान रख सकते हो। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों है सर ये, क्यों पूछा ना मैंने आपको, क्या बताया, हमेशा जब भी पढ़ोगे हमेशा क्यों जरूर पूछना, ठीक है, क्यू फॉर क्यों नहीं, क्यू फॉर मतलब हिंदी वाला वाई जरूर पूछना हर चीज का, ठीक है। तो यहां पर वाई अगर आप पूछते हो कि ऐसा क्यों है, तो देखो हमने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है ना, ये किससे किया है, ब्रिटेन से किया है, ठीक है। अब ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया, तो ब्रिटेन में जो दो हाउसेस हैं, कौन कौन से, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, तो अब हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका अपर हाउस कौन सा होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड होगा, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है उनका वहां पे, ठीक, जैसा हमारा राज्यसभा उनका हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो अब हमने क्योंकि उनसे पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, और वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड का कारपेट जो होता है वो रेड होता है, इस कारण से हमारे यहां भी रेड होता है, और इसके पीछे भी कारण है। जैसे क्या होता है कि हाउस ऑफ कॉमन यानी कि हमारा लोकसभा जो है, ठीक है, उनका हाउस ऑफ कॉमन हो गया वैसे डायरेक्टली इलेक्टेड वाला, तो वहां पे कारपेट ग्रीन क्यों होता है पता है, ग्रीन क्या सिंबलाइज करता है, ग्रास रूट को सिंबलाइज करता है, और क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन में या फिर हमारे लोकसभा में डायरेक्ट नीचे से लोग चुन के आते हैं, हम लोग चुनते हैं ना, तो उस सेंस में क्या है, उसे ग्रीन रखा जाता है, वो ग्रास रूट रियलिटी को समझाता है, और रेड कलर जो है वो रॉयलिटी को दर्शाता है। और यहां पे आप जैसे देखोगे तो हाउस ऑफ लॉर्ड में पहले के समय में क्या होता था कि सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे वो होते थे, तो इस कारण से वो रेड रखा गया है, ठीक है। चलो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी जो डिस्कस कर ली हमने, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कहानी पूरी क्लियर हो गई है, कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो मैंने आपको बताया। अब अगर बात की जाए कि टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेकेंड चैम्बर, अब मैंने आपको यह पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि राज्यसभा को आप अपर हाउस तो बोल रहे हो, ठीक है, अपर हाउस है वो, क्यों, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, परमानेंट क्यों है वो भी बताऊंगा आपको, आपको आगे और एक बार अच्छे से, ठीक है। लेकिन उसको चैम्बर सेकेंड चैम्बर कहा जाता है, सेकेंड चैम्बर क्यों कहा जाता है सर, सेकेंड चैम्बर कहा जाने के पीछे कारण यह है क्योंकि पहले जो बिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं तो फर्स्ट चैम्बर जैसे हम माना जाए तो लोकसभा को माना जाता है, अधिकतर बिल्स वहां इंट्रोड्यूस होते हैं और लोकसभा से फिर सेकेंड चैम्बर आता है, और लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर कहने के पीछे कारण यह भी है क्योंकि वहां पर डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल आते हैं, ठीक है, जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव वो डायरेक्टली इलेक्टेड है तो उसको प्रायोरिटी दी गई है तो उसे फर्स्ट चैम्बर कह रहे हैं, ठीक है।
तो अब वो फर्स्ट चैम्बर हो गया, ये सेकंड चैम्बर हो गया। सेकंड चैम्बर में दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। क्या होते हैं? एक तो सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आपकी बुक में सब कुछ दिया है, ठीक है। सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है? गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। मजेदार चीज है, समझो कि यहां पे जो सेकंड हाउस रहेगा, ठीक है। अब यहां पे हम यूएस का एग्जांपल लेते हैं। यूएसए जो है, तो यूएसए में पार्लियामेंट में दो हाउस है, कौन कौन से? एक सीनेट है और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है? दो हाउस है, ठीक है। अब क्या होता है, तो सीनेट जो है, तो हमारा जैसा राज्यसभा है ना, उनका वैसा सीनेट है, ठीक है। सेकंड चैंबर है मतलब, तो उनका सेकंड चैंबर और हमारा सेकंड चैंबर राज्यसभा, उनका सेकंड चैंबर सीनेट हो गया। तो सीनेट में वहां पे क्या है? सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि उनके सीनेट में पता है आपको कितने लोग होते हैं? जैसे उनका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ये वाला हाउस जो सीनेट है, सीनेट में 100 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। हमारे यहां कितने? 245 हमने देखा ना लोग हमारे राज्यसभा में, तो वहां पे कितने हैं? 100 है। अब सीनेट में जब 100 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, समझना इस चीज को अच्छे से, तो वो 100 रिप्रेजेंटेटिव कैसे आएंगे पता है? कि ये पूरी कंट्री जो है उनकी, ठीक है, ये पूरा यूएसए जो है, तो यूएसए को वो क्या करते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट को बराबर नंबर ऑफ मेंबर दे देते हैं। हमारे यहां बराबर नंबर ऑफ मेंबर थे क्या? नहीं। आपने क्या देखा था? मैंने बताया था आपको कि 233 मेंबर्स को पहुंचाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अलग अलग स्टेट को अलग अलग नंबर दोगे। और अलग अलग नंबर क्यों दोगे? आप क्या बोल रहे हो मध्य प्रदेश से कि भैया 11 एमपी पहुंचाना, ठीक है, मतलब एमपी से आप बोल रहे हो 11 एमपी पहुंचाना है। एक एमपी मतलब मध्य प्रदेश और दूसरा एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा के लिए आप 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचाना। वही उत्तर प्रदेश से क्या बोल रहे हो आप कि उत्तर प्रदेश आप 31 पहुंचाना। उत्तर प्रदेश ने टोपी लेके आया है क्या? नहीं ना। तो उत्तर प्रदेश में 31 क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये वाला पॉइंट अगर आप समझोगे ना कि दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप क्या करते हो, आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हो हर पार्ट को, कंट्री के हर स्टेट को आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। तो यूएस में वही होता है कि यूएस का जो सीनेट है, मतलब यूएस का जो राज्यसभा है, ऐसे समझ लो, सेकंड चैम्बर जो है, यूएस का जो सीनेट है वहां पे 100 सीट है अगर, तो 100 सीट मतलब जितने स्टेट है उनके, 50 स्टेट है, तो सबको दो 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 दे दिए, बोल दिया कि हर स्टेट दो रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा दे, बात खत्म, ठीक है। लेकिन हमारे यहां लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट किया। ये असिमेट्रिकल समझो क्या है, तो पार्ट्स ऑफ द कंट्री मे बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। मजेदार चीज क्या होता है, आपने क्या बोल दिया कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के जो अलग अलग पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट का रिप्रेजेंटेशन सेकंड चैंबर में, सेकंड चैंबर मतलब राज्यसभा, अलग अलग पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन सेकंड चैंबर में वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां क्या होगा, वहां से ज्यादा लोग जाएंगे, जहां पॉपुलेशन कम है वहां से कम लोग जाएंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ कंट्री में गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, पार्ट्स हैविंग लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इन द सेकंड चैंबर, एंड देन रीजन हैविंग लेस पॉपुलेशन, तो जहां पॉपुलेशन कम है वहां उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स वही मैंने जो आपको समझा दिए सारे, क्या एक यूएस का देख लो आप और एक इंडिया का देख लो। तो अगर हम देखते हैं टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेकंड चैम्बर, तो यूएसए में आप देखोगे तो 50 स्टेट है, तो वहां बराबर बराबर दे दिया। यहां पे क्या, इंडिया में बराबर नहीं है, इंडिया में अनइवन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल वही लिखा है, यूएसए एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट, ठीक है। दूसरा हाउस क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, ध्यान है ना, दूसरा हाउस क्या है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहां पे क्या बताया गया है कि हर स्टेट को इक्वली क्या दे देगा, इक्वल कोटा दे देगा कि आपको इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचाना है, ठीक है। बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट स्मॉल स्टेट्स, ठीक है, अब इसमें देखो लूप होल निकल के आया, हम समझदार है, मैंने बताया ना यहां पे लूप होल क्या निकल के आया, इसके चलते क्या होगा, बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्ज स्टेट, ठीक है। तो चाहे स्टेट इतना बड़ा हो, चाहे स्टेट इतना बड़ा हो, सभी को दो दो रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचाना है। तो उस सेंस में क्या है कि सब बराबर तो कर दिया आपने, लेकिन स्मॉल स्टेट का भी उतना ही होगा जितना लार्ज का है, और लार्ज का भी उतना ही होगा जितना स्मॉल का है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ये अगर आप इंडिया के केस में देखते हो, तो इंडिया के केस में क्या होता है, इन इंडिया राज्यसभा द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूएसए, ठीक है। इंडिया में राज्यसभा में सेकंड चैंबर में जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो यूएसए से अलग है। द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। मतलब मैंने आपको ये भी दर्शाया ना कि मध्य प्रदेश से 11 जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से 31 जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों वेरी करता है, पॉपुलेशन के हिसाब से। और ये जो चीज है ना, द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, आपको कहां से पता चलेगा कि किस स्टेट से कितने मेंबर को इलेक्ट करना है, ठीक है। तो दिस हैज बीन फिक्स्ड बाय द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ शेड्यूल क्या बोला है सर, देखो
कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं ना, उठा के आपकी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, समझते चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लास्ट में शेड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो शेड्यूल दिए गए हो, तो हमारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, पूरे नहीं समझा रहा हूं लेकिन आपको एक आइडिया दे दूंगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो अब क्या होता है, ये 12 लेटर गिन लेना आप, ठीक है, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना, ये सबका होमवर्क है। और क्या करेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट वगैरह देखोगे तो आपको 12 शेड्यूल पता चल जाएंगे। तो जैसे फोर्थ नंबर पे ये है ना, तो आर मतलब क्या हो गया कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा जो है, तो राज्यसभा की सीट्स के बारे में डील करता है फोर्थ शेड्यूल। अब क्योंकि नंबर 12 नंबर कौन से शेड्यूल में क्या है, कौन से शेड्यूल में क्या है, ऐसे याद रखने में तो सिरदर्द हो जाएगा, ठीक है। तो उस सेंस में ऐसी ट्रिक है कि ध्यान रखना, तो ये अलग अलग शेड्यूल को दर्शाती है, ठीक है, अलग अलग शेड्यूल को दर्शाया जाता है। तो फोर्थ शेड्यूल जो है, तो वो आर से राज्यसभा को दर्शाता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, किस स्टेट से। तो द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज बीन फिक्स्ड बाय द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया ना ये भी। तो ये सिंपल सी सटीक सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो बाकी आपको होमवर्क क्या, आपको ये पता करना है, जैसे क्या है कि 8th शेड्यूल में क्या दिया गया, शेड्यूल लैंग्वेज किसके बारे में बताया गया था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये ओ जो आ रहा है, तो ओ मतलब क्या है, आपको ध्यान हो तो आपने क्लास 10th में पढ़ के आया ना कि लैंग्वेजेस जो है, शेड्यूल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है, तो ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे ध्यान रख लेना। तो 8th शेड्यूल में बताया गया है ना, ट्रिक काम की। तो इसको आप देखेंगे, कंप्लीट करेंगे होमवर्क, और जिसको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएगा मुझे। क्लियर, ये हो गया, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूएस का जो सेकंड चैंबर का रिप्रेजेंटेशन है और किस तरह से इंडिया का जो सेकंड चैंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो वेरी करता है। अभी राज्यसभा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब क्या होता है, व्हाट वुड हैपन, एक सवाल आता है यहां पे, व्हाट वुड हैपन इफ वी वर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। हमने अलग क्यों कर लिया सर, ठीक है। तो उसका आंसर यही लिखा है, क्या कि प्रॉब्लम क्या जा रही, लूपहोल क्या जा रहा है कि छोटे स्टेट का भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जितने बड़े स्टेट का हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, 19 आपकी बुक में दिया है, जो 1998 की पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 20 लाख पॉपुलेशन है, इस कारण उसे 31 सीट दे रहे हैं हम, ठीक है। वही चीज अगर आप दूसरे छोटे स्टेट से जोड़ लोगे, सिक्किम विक्किम से जोड़ लोगे, जहां पॉपुलेशन और कम है, 6 लाख की है शायद, तो उसको भी क्या 31 सीट दोगे आप, नहीं। तो अब साइज की अगर आप बात करते हो तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन अब पॉपुलेशन उतनी नहीं है, तो इसीलिए उसको क्या दिया गया, 10 सीटें दी गई है। और वही चीज अगर आप देखोगे, उत्तर प्रदेश को 31 दी गई है क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा स्टेट है, लेकिन एक ही सीट दी गई है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन एक सीट के लायक है ना। अब अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो यूनियन टेरिटरी में भी क्या है, जैसे यूनियन टेरिटरी में भी आप देखते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से हर यूनियन टेरिटरी को सीट नहीं दे दी है, ठीक है, वो कहानी थी पूरी। आगे समझ में ये, अब आगे अगर हम देखें तो टर्म ऑफ राज्यसभा को अगर हम समझते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो क्लियरिटी देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल इनसाइट दे देता हूं कि आर्टिकल 79 जो है तो वो पार्लियामेंट के बारे में बताता है, 79, 80, 84 जो है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब 79 ये बताता है कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउस है, दुनिया भर की कहानी, ठीक है। 80 जो है तो आर्टिकल 80 काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में आपको बताता है, आर्टिकल 80 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको लिख सकते हो आप ये चाहो तो, ठीक है, रेफरेंस के लिए। आर्टिकल 80 आपको काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा के बारे में स्पेसिफिकली बताता है, आर्टिकल 84 जो है तो बताता है उसमें नॉमिनेशन कैसे होगा, तो ये पूरी कहानी रहती है, ठीक है। तो अब अगर हम टर्म की बात करें कि कितने समय के लिए राज्यसभा जो है वो जैसे आपको पता है लोकसभा में आप एक बार जीत के जाओगे ना तो बधाई हो, आप जीत के पहुंच तो जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका 5 साल का टेन्योर होगा कि आप 5 साल काम करोगे, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में टेन्योर जो रहता है वो 6 साल का रहता है, 1 साल ज्यादा रहता है, ठीक है। तो राज्यसभा में जाना, लोकसभा में जाना, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। अब ये 6 क्यों रखा सर, इसके पीछे कहानी बताऊंगा मैं आपको पूरी, ठीक है, 6 ईयर्स। और साथ ही साथ में क्या है, दे कैन गेट री इलेक्टेड, 6 साल के बाद में फिर से अगर आना है उन्हें तो किसी स्टेट से उन्हें री इलेक्ट करके फिर पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो दे कैन गेट री इलेक्टेड, इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाँ जी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं, सवाल ये आता है, ठीक है, वाई। तो अब ये वाई का जवाब समझना, क्योंकि ये एक ऐसा हाउस है राज्यसभा जो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे क्या होता है, लोकसभा में आप देखोगे कि आज आप चुन के गए, आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए, लेकिन 5 साल बाद जब फिर से लोकसभा के इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन जिसे हम कहते हैं, तब क्या होगा, तब आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगी महाजन, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने आपको रीइलेक्ट करवाना पड़ेगा। रीइलेक्ट खैर इन्हें भी करवाना पड़ता है, राज्यसभा के लोगों को भी, ठीक है, लेकिन
आप क्या देखते हो, लोकसभा एक साथ पूरी डिसॉल्व हो जाती, सारे लोग एक साथ फिर से आते हैं। यहां पे सारे लोगों को एक साथ फिर से इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता है, ये मजेदार चीज है। और इसीलिए परमानेंट कहा जा रहा है इसे, क्यों? क्योंकि ये हाउस परमानेंटली कोई ना कोई रहता ही है पार्लियामेंट में, सारे लोग एक साथ कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, राज्यसभा के जो एमपी रहते हैं। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, चलो देखो आगे। तो क्या होता है, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म एट द सेम टाइम। एक्सप्लेन करें, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि राज्यसभा के जितने भी मेंबर है, जैसे आप कह रहे हैं क्या कि 245 मेंबर हैं, तो 245 एक साथ कभी खत्म नहीं होगा जिनका टर्म। क्यों? क्योंकि सारे एक साथ इलेक्ट भी नहीं हुए थे। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो क्या होता है, एवरी टू ईयर 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स ओनली। ठीक है, ये आया समझ में? हर क्या हो रहा है, हर दो साल में देखो, 6 साल क्यों है उसका भी लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। एवरी टू ईयर 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म्स एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोस 1/3 सीट ओनली। अब जैसे फॉर एग्जांपल 6 साल का टर्म है पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये 0 से 6 साल। अब क्या होता है कि ये जो 2 साल होंगे ना, तो 2 साल में 1/3 जो टोटल मेंबर है, ये 1/3 टोटल मेंबर जो मतलब जो टोटल मेंबर है, तो टोटल मेंबर में से जो 1/3 मेंबर है उनका टेन्योर पूरा हो गया है। मतलब टेन्योर पूरा ऐसे हो गया, तो सर ये तो 2 ही साल काम करते हुए इन्हें, तो ये जो 1/3 लोग हैं ये पिछले 4 साल से काम करते हुए आ रहे थे। मतलब कि अगर आप जैसे देखेंगे ये ईयर 2000 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो ये जो 1/3 जिनका टर्म अब पूरा हुआ है ना, ये वाले जो 1/3 लोग हैं, ये इलेक्ट कब हुए थे राज्यसभा में पता है? ये इलेक्ट राज्यसभा में 2000 से 4 साल पहले चला, तो 1996, ठीक है, मतलब ये 1996 में इनका चुनाव हो गया था, ये 1996 से राज्यसभा में है, तो अब क्या हो गया, 1996 से 2002 आते आते क्या हो जाएगा, इनका काम हो गया पूरा, इनका टर्म पीरियड पूरा हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इनका टर्म कंप्लीट हो गया, अब इनको फिर से रीइलेक्ट होकर आना पड़ेगा। ठीक, तो अब वैकेंसी कितने के लिए हुई है, 1/3 के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो 2/3 है ये अभी भी बैठे हुए हैं, इनका टर्म पूरा नहीं हुआ है। इनका टर्म पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन 2/3 में से, ये जो 2/3 हिस्सा है, इस 2/3 हिस्से में से क्या है, 1/3 जो थे तो वो 1/3 जो है तो वो कब आए थे, 1998 में आए थे, 1/3 जो है वो 1998 में आए थे, तो 1998 से इनका टर्म कब पूरा होगा, 1998 से 2000 2 साल हो गए, 2000 से 2002 4, 2002 से 2004 8, तो इनका टर्म 2004 में कंप्लीट होगा। आया ना समझ में? तो ये 2/3 में से 1/3 जो है वो 2004 में कंप्लीट करेंगे, और जो लोग 2000 में इलेक्ट होकर आए उनका टर्म कब कंप्लीट होगा, 2006 में। तो ऐसे 1/3 1/3 करके क्या होते जाता है, शफल होते जाती है चीजें। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 1/3 1/3 होकर शफल होते जा रही है, तो चलो मान लो जो 2000 में इलेक्ट हुए थे वो कब रिटायर हो जाएंगे, या फिर कह सकते वो कब डिसॉल्व हो जाएंगे, उनकी बारी कब खत्म हो जाएगी, 2006 में। ठीक है सर, आगे समझ में? तो वो 1/3 ही रिटायर होने वाले हैं, मतलब वो 1/3 ही डिसॉल्व होने वाले, रिटायर शब्द नहीं, वो 1/3 ही डिसॉल्व होने वाले हैं। बाकी के जो 2/3 हैं, जो कब इलेक्ट हुए हैं, जो 2002 में इलेक्ट हुए हैं, जो 2004 में इलेक्ट हुए हैं, वो तो टिके रहेंगे ना। तो इस तरह से क्या होता है, परमानेंटली कभी भी हाउस पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है। देखो मैंने बहुत बेसिक से बताया है, अभी समझ नहीं आया ना तो अब मैं सिर मार लूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई है, क्लियर, ये हो गया। तो ये आ गया ना समझ में, परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है पार्लियामेंट का, क्लियर है, ऑल मेंबर्स वाली कहानी भी। और ये हर 2 साल में क्या होता है, हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो कंप्लीट करते हैं उनका टर्म, एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स ओनली, क्लियर। तो दस राज्यसभा इज नेवर फुली डिसॉल्वड, आगे समझ में? इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज समझो। ये तो आपने क्या समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन था उस प्रोविजन को समझ लिया, लिखा होता मैंने पढ़ा दिया बता दिया, इसके पीछे का लॉजिक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोचा होगा। देखो राज्यसभा और लोकसभा दो हाउस है, आपको पता है, दोनों पार्लियामेंट है, और प्रेसिडेंट भी जो है पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन अब आपको यह भी चीज पता है कि लोकसभा तो डिसॉल्व हो जाता है जब चुनाव 5 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे, जब जनरल इलेक्शन आने वाले रहेंगे। अब जैसे 2019 में इलेक्शन हुए हमारे देश में, अब 24 में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे, उनका टर्म कंप्लीट हो गया। अब जब वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे, उनका टर्म कंप्लीट हो जाएगा, और देश में कोई अर्जेंट मैटर की जरूरत हो गई, अर्जेंट मैटर पे अगर किसी प्रकार का डिस्कशन करना है, आप किसको बुलाओगे फिर? ऐसे बोलोगे कि चलो चलो 2 मिनट? नहीं ना, आपके पास एक परमानेंट बॉडी होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिमाग लगाया, ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं एक परमानेंट बॉडी होना चाहिए, और इस तरह से एक परमानेंट बॉडी लाई गई, क्लियर है, यह है ना समझ में? तो यह पूरी कहानी आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे और देखें अगर जैसे, तो राज्यसभा जो है, तो राज्यसभा में क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन इलेक्टेड ही बोलोगे ना आप,
कितने होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो ध्यान रखना है जैसे 250 मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, लेकिन हमारे पास एट प्रेजेंट कितने लोग बैठते हैं राज्यसभा में, 245। अब ये 245 में भी क्या होता है, 245 टोटल है, 245 में से भी क्या होता है कि 233 जो है वो तो इनडायरेक्टली स्टेट से इलेक्ट हो के आ जाएंगे, हर स्टेट का अलग अलग कोटा होगा, मैंने बताया वहां से इलेक्ट हो के आ जाएंगे। अब क्या हो रहा है, 245 में कितना कम पड़ रहा है, 12, ठीक है, बहुत अच्छी मैथ्स आ गई मुझे। तो अब क्या होता है कि 233 में 12 जो कम हो रहे हैं, ये 12 जो हैं, ठीक है, ये जो 12 हैं ये नॉमिनेटेड रहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, मतलब इलेक्ट कोई नहीं कर रहा, इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, हु नॉमिनेट देम, सबसे पहला सवाल सर मेरे को नॉमिनेट कर लो ना जल्दी से अगर ऐसा नॉमिनेशन वाला काम होता है तो जी हाँ, नॉमिनेशन आपका भी हो सकता है, खुश हो गए, आंखों में चमक आ गई, ठीक है, नॉमिनेशन आपका भी हो सकता है, लेकिन कब कहाँ कैसे कंडीशन सुन लो। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, दोस्ती करो जाके, ठीक है, लेकिन सिर्फ दोस्ती करने से भी काम नहीं चलेगा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट किसे नॉमिनेट करते हैं, दीज नॉमिनेशंस आर मेड फ्रॉम अमंग दोस पर्सन हु हैव मेड देयर मार्क इन देयर इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर साइंस आर्ट्स एंड सोशल वर्क, ठीक है। तो अब जैसे आप देखोगे हेमा मालिनी, ठीक, सचिन तेंदुलकर, ये लोग जो हैं, तो ये एक समय पे क्या रहे, एक समय पे आप देखोगे तो लोकसभा में ये लोग, सॉरी राज्यसभा में ये लोग एमपी थे, ठीक है भी, तो राज्यसभा में एमपी इन्हें क्यों बनाया गया सर, ठीक है, तो इन्होंने अपनी फील्ड में, अब वो हो सकता है लिटरेचर हो सकता है क्या साइंस, हो सकता है आर्ट हो, अब एक्टिंग भी क्या एक आर्ट है, क्रिकेट खेलना भी क्या एक आर्ट है, अगेन समझ में, हर कोई थोड़ी ना सिक्स मार सकता है, तो उस सेंस में क्या है, आर्ट साइंस सोशल सर्विस, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, आईएएस वगैरह जो होते हैं, उन्हें भी क्या कर दिया जाता है, सोशल सर्विसेज में एक तरह से अगर आप देखोगे तो नॉमिनेट कर लिया जाता है राज्यसभा के एमपी की तरह, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, वो जो उन्नी मुन्नी है तो उन्होंने भी सवाल पूछा ये कि चलो राज्यसभा के जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर हैं, ये समझ में आया कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकसभा के लोग तो डायरेक्ट जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 12 लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्पेसिफिकली किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनकी फील्ड के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई स्पोर्ट्समैन अगर नॉमिनेट किया गया, सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया, तो वो इस हिसाब से किया गया कि वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी और सुना दी है, तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है। राज्यसभा के बारे में हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है, मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक बार सारी चीजों को फिर से रिवाइज कर लें, आप देख लें कि किस तरह से क्या काम चलता है राज्यसभा का, वो सारा सब कुछ हमने पढ़ लिया है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, मजा आया तो वो भी बताना। राज्यसभा कंप्लीट हो गया, अब इसी तरह से हम लोकसभा को भी समझेंगे, लोकसभा को भी पढ़ेंगे, क्लियर है। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर, अब एक आखिरी बात सुनते चले जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से, ठीक है, जैसा आपने अभी पढ़ा, सब कुछ सारे सब्जेक्ट जितने सब कुछ लिखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप इन्हें यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं, अपने जूनियर सीनियर्स को जरूर बताइएगा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।